हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त गोनिका आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो मैं फटाफट आपको नाप बता देती हूँ। तो दो पीस मेरे ये हैं 4.5 4.5 इंच के, ये भी मेरे दो पीस हैं 4.5 4.5 इंच के, ये मेरे चार पीस हैं 3.5 3.5 इंच के, ये भी मेरा एक पीस है 3.5 इंच का 3.5 इंच का। तो मैं आपको इनको सेट करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन दो पीसों को आपस में ऐसे लगा लेंगे, स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और साइड साइड में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही लाइन लगा रखी है और हम साइड साइड में सिल के बीच में से कट करेंगे। तो मैं इनको सिल लेती हूँ और बीच में से कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिल भी लिए हैं और बीच में से कट कर लिए हैं। कट करने के बाद ये हमने 3.5 5.5 इंच के नाप कर कट कर दिए हैं। तो मेरे चारों पीस 3.5 5.5 इंच के बिल्कुल सही नाप के अनुसार मैंने इनको कट कर लिया है। तो देखिए मेरे ये चार पीस बन गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब मैं इनको सेट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, पहले ऊपर की लाइन सिलेंगे। तो हम इस पीस को इसके ऊपर रख लेते हैं और यहाँ से एक लाइन मार लेते हैं और फिर इसको पलट देंगे। फिर हम इस टुकड़े को लेके यहाँ लाइन मारेंगे और इसको पलट देंगे। तो हम पहले ऊपर का हिस्सा तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऊपर का हिस्सा सिल गया है। अब सेम हम ऐसे ही इसको सिलेंगे। इसको रख के इधर से पलट देंगे सिलकर और इसको भी इधर सिलाई लगा के पलट देंगे। तो मैं दूसरा हिस्सा भी सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरा हिस्सा भी तैयार हो गया है। ऐसे ही हम तीसरे हिस्से को भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे तीनों हिस्से तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, इसको इस पर रखेंगे और सिलाई से यहाँ जोड़ेंगे और पिनअप कर लेंगे। पहले पिनअप करने के बाद ही फ्रेंड्स सिलिएगा, वरना कपड़ा इधर उधर खिसक जाता है। तो मैं पहले पिनअप कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पिनअप लगा ली है। अब मैं इसमें सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऊपर का भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको इस पर सेम वही रखेंगे, सिलाई को सिलाई से जोड़ेंगे। पिनअप करने के बाद मैं इसको आपको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मेरे इसमें जो थोड़ा हल्का हल्का एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया है। तो आप भी इसको फिनिशिंग देने के लिए हल्का हल्का सा पहले लाइन लगा लें, अच्छी तरीके से देख के उसको कट कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। बाय बाय।